क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक कोड लाइन लिखे आप अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं? यस, आपने सही सुना। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जो बिना टेक्निकल नॉलेज के वेबसाइट, ऐप और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट तक बना सकता था, लेकिन आज मैं आपको कुछ माइंड ब्लोइंग दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस एआई सॉफ्टवेयर का यूज करके सिर्फ कुछ ही मिनटों में एंड्रॉइड स्टूडियो में पूरा एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। इमेजिन करें, सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में आप अपना ऐप तैयार कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर न सिर्फ सुपर फास्ट है बल्कि ये गेम चेंजर है। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, बस कुछ ही सिंपल क्लिक्स और आपका प्रोजेक्ट तैयार। सो अगर आप भी चाहते हैं अपना डेवलपमेंट प्रोसेस हो फास्ट, इजीएस्ट एंड स्मार्ट, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका एआई डेवलपर यूबीटेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने एंड्रॉइड ऐप को विदाउट कोडिंग नॉलेज क्रिएट करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको अपने सिस्टम पर क्या क्या चाहिए होगा अपने एंड्रॉइड ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड SDK टूल। इसके बाद डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके यहाँ से हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की लेटेस्ट सेटअप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसके बाद आपको एक न्यू टैब को ओपन करना है और सर्च बार पर आकर अगेन से सर्च करना है विनशर्ट AI। इसके बाद एक फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ से हमें डाउनलोड द विनशर्ट एडिटर पर क्लिक करना है। तो इस विनशर्ट AI कोड एडिटर को भी आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स। आप चलते हैं सेकेंड स्टेप में और हम अपने फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेंगे हम एंड्रॉइड स्टूडियो। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। हम यहां पर एम्प्टी एक्टिविटी या आप इसे जेटपैक कंपोज एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम एक स्कूल मैनेजमेंट ऐप क्रिएट करने वाले हैं, सो यहां पर उसका नेम देंगे स्कूल मैनेजमेंट। सो मैंने अपने ऐप का नेम स्कूल मैनेजमेंट दिया है। इसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम देंगे, इसका नेम थोड़ा बड़ा है पैकेज नेम, सो यहाँ पर मैं का पैकेज नेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर सेव लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है, ये करना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, का नेम हमें दे देना है ऐप, जिसमें हमारी इस ऐप की सोर्स फाइल्स स्टोर होंगी। इसके बाद यहाँ से हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने क्रिएट किया है अपने डेस्कटॉप लोकेशन पर, ये रहा, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मिनिमम SDK हम यहाँ पर एंड्रॉइड 12 रखेंगे। इसके बाद फिनिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स लोड हो रही हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो हमारे एंड्रॉइड ऐप की सभी सोर्स फाइल्स जनरेट हो गई हैं। इसके बाद यहाँ से हम एंड्रॉइड स्टूडियो को मिनिमाइज कर देंगे। इसके बाद ओपन कर लेंगे विनशर्ट AI सॉफ्टवेयर को। इसके बाद हमने जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट की थी इस एडिटर पर उसको ओपन कर लेना है या इंपोर्ट कर लेना है आपको। यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे। प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ आपको प्रोफाइल के बगल में यहाँ पर आइकन पर क्लिक करना, इस कोड एडिटर की AI ओपन होकर आ जाएगी। वैसे इस कोड एडिटर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कोड एडिटर कैसे काम करता है और आप इसका यूज़ करके विदाउट कोडिंग के आप कैसे ऐप और वेबसाइट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट तक क्रिएट कर सकते हैं। सो आपने इस स्कूल मैनेजमेंट ऐप को क्रिएट करने के लिए हमें एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, जिस प्रॉम्प्ट में हमारे स्कूल मैनेजमेंट ऐप की फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़, UI डिज़ाइन, उस पर क्या क्या फ़ीचर्स रहेंगे, उसकी कितनी स्क्रीन्स होंगी, उसका लॉजिक कैसे वर्क करेगा, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, उस प्रॉम्प्ट में होगा। सो इसके लिए एक हमें परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। अगर आपको परफेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं बनाना आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होगा अपने स्कूल मैनेजमेंट ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी जो कि ये रहा। अब जहाँ पर भी आपको ये हाइलाइटेड एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको जिस तरह की भी आप ऐप बनाना चाहते हो उसकी फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ एंड UI डिज़ाइन डिटेल्स देनी है। अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप समझा नहीं सकते इस प्रॉम्प्ट में कि हमारे ऐप पर क्या फ़ीचर फंक्शनैलिटीज़ होंगी, कैसा उसका यूज़र इंटरफेस होगा,
तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको जिस तरह का भी ऐप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर देना है। लाइक अगर आप टूडो ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, नोट ऐप, कैमरा ऐप, कैलकुलेटर ऐप, जिस तरह का भी ऐप क्रिएट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नेम टाइप कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर टूडो ऐप टाइप कर देता हूँ। जैसे टूडो ऐप कोई भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाइलाइटेड एरिया में आपको अपने ऐप की यूआई डिजाइन या फीचर फंक्शनैलिटीज को टाइप करना है। अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ओपन कर लेना है ब्राउजर को और आ जाना है चैट जीपीटी की वेबसाइट पर और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है यहाँ पर। अब जैसे ही सेंड करेंगे, चैट जीपीटी हमारी टूडो ऐप के लिए फुल प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगी, जिसमें हमारी ऐप का नेम, उसकी क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज रहेंगी उसका लिस्ट बना दिया है यहाँ पर। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप और भी इस पर फीचर फंक्शनैलिटीज को ऐड करा सकते हैं। उसका यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, उसका कलर थीम, आइकन्स, फॉन्ट, लेआउट और उस पर क्या क्या डिजाइन रहेगी वो सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट पसंद आया तो आप यहाँ से कॉपी करके उस AI कोड एडिटर पर पेस्ट कर सकते हैं। सो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपका ऐप रेडी हो जाएगा। सो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप प्रॉम्प्ट बनाकर अपना ऐप बना सकते हैं। सो अब हम अपने स्कूल मैनेजमेंट ऐप को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी अपने स्कूल मैनेजमेंट ऐप के लिए प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, जिसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रहेगी हमारी वेलकम स्क्रीन, इसके बाद होम स्क्रीन और इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट स्क्रीन रहेगी, अटेंडेंस, टाइम टेबल एंड सेटिंग्स। इसके बाद यहाँ से हम प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम विंसर्ट AI कोड एडिटर पर और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम AI मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप क्लाउड 3.5 को सिलेक्ट करें, बिकॉज चैट GPT 4 इतना पावरफुल नहीं है जितना क्लाउड 3.5 है। सो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस स्कूल मैनेजमेंट ऐप की सोर्स फाइल्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एनालाइज किया है हमारी फाइल्स को, अब हमारी सोर्स फाइल्स जनरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे स्कूल मैनेजमेंट ऐप की सभी सोर्स फाइल्स जनरेट हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक करना है, जिससे कि ये जनरेटेड फाइल हमारी प्रोजेक्ट फाइल में सेव हो जाएंगी। तो हमारी सभी सोर्स फाइल्स जनरेट होकर सेव भी हो गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ सोर्स के फोल्डर पर आना और यहाँ मेन पर आना, तो आपको यहाँ पर सभी स्क्रीन्स की आपको फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये रही हमारी मेन फाइल, ये रही मेन एक्टिविटी .kt। इसके बाद हमें इन फाइल्स को सेव करना है। अभी हमारी सेव नहीं है, सेव नहीं होंगी तो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पर शो नहीं होंगी। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस के साथ कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, मतलब बार बार आपको कंट्रोल एस ना दबाना पड़े, तो इसके लिए फाइल्स पर आना और यहाँ ऑटो सेव को टिक कर लेना, ये मेक श्योर कर लेना, नहीं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पर फाइल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से हमने अपनी सभी प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लिया है। अब चलते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर और देखते हैं। जब विंसर्ट AI की AI जनरेटेड फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लें, इसके बाद आपको ओपन कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो और देखेंगे कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में वो फाइल सेव हुई है कि नहीं। तो इसके लिए आप ओपन कर लेंगे एंड्रॉयड प्लस जावा के फोल्डर को। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सभी कोड फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। शायद आपके में थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज AI हमेशा अलग अलग ही रिस्पॉन्स देती है और डिफरेंट डिफरेंट कोड जनरेट करती है, यूनिक, तो आपके में थोड़ा अलग हो सकता है। सो मेरे यहाँ पर ये रही और कुछ डेटा पे फाइलें हैं हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट ऐप है। सो यहाँ पर वो सारी फाइल्स जनरेट हो गई हैं हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप जितने भी फाइल्स देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी एरर्स देखने के लिए नहीं मिलते। अगर आपको फिर भी एरर्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो शायद हमारे प्रोजेक्ट पर कोई मॉड्यूल या डिपेंडेंसी ऐड हो गई होगी। उसके लिए आप चाहे तो ग्रेडल स्क्रिप्ट को सिंक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी एरर देखने के लिए मिल रहे हैं तो यहाँ फोर लाइंस पर आना, यहाँ बिल्ड पर आना और यहाँ क्लीन प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद एक प्रोसेस होगी, अब जब कंप्लीट हो जाए वो क्लीन प्रोजेक्ट वाली प्रोसेस, इसके बाद अगेन से फोर लाइंस पर क्लिक करना और इसके बाद यहाँ बिल्ड पर अगेन आना और यहाँ से हमें रीबिल्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना।
इसके बाद जितनी भी डिपेंडेंसी होगी और जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट हो जाएंगे और डाउनलोड हो जाएंगे, जिससे कि एरर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अभी तो हमारे प्रोजेक्ट पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसकी आउटपुट देखने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट पर एक आइकन अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी एपीके फाइल बिल्ड करके अपने प्रोजेक्ट का आउटपुट देखेंगे। सो आइकन ऐड करने के लिए यहाँ रिसोर्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ न्यू पर आएंगे और यहाँ इमेज एसेट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने ऐप का आइकन सेलेक्ट करना है, सो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने अपने ऐप के लिए एक ऑलरेडी आइकन डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये रहा आइकन, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा बहुत इसे रिसाइज कर लेंगे ऐप की साइज के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग, सो ये परफेक्ट रहेगा। इसके बाद आप इसके बैकग्राउंड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पर इसका ब्लू दे रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिनिश वाले बटन पर क्लिक करके हम अपने ऐप पर आइकन अप्लाई कर लेंगे। अब हम अपने ऐप का आउटपुट देखेंगे, सो इसके लिए एपीके फाइल को बिल्ड करना पड़ेगा। सो यहाँ फोर लाइंस पर क्लिक करेंगे और बिल्ड पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम बिल्ड एपीके पर क्लिक करेंगे। तो हमारी एपीके फाइल बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, इसमें अप्रॉक्स 102 मिनट का टाइम लग जाएगा, डिपेंड योर सिस्टम स्पीड। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में हमने इतना फुल्ली फंक्शनल ऐप क्रिएट कर लिया। अगर इसी ऐप को किसी डेवलपर को बनाना पड़ता तो 1 वीक तक का टाइम लग जाता, बिकॉज इस पर इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, और कुछ ही मिनटों में हमने इसे AI से क्रिएट कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं AI कितनी पावरफुल हो चुकी है। और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐप बनाने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होने की जरूरत है, तो एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो ये था सबसे इजीएस्ट मेथड जिससे आप कम टाइम में एक फुल्ली फंक्शनल एंड एडवांस फीचर लेस मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।